नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में बीएड डिग्री धारकों को लगा सुप्रीम झटका, जाने पूरा मामला। देश भर के बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की इस अधिसूचना को अवैध करार दिया है, जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टैट के लिए योग्य किया गया था। न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने देवेश शर्मा की याचिका का निपटारा करते हुए ये निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता देवेश ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई के 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। मौसम की मार से हिमाचल पथ परिवहन निगम के 1300 बस रूट प्रभावित। मौसम की मार से हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते निगम के 1300 रूट प्रभावित है। शिमला चंडीगढ़ कांगड़ा पठानकोट और चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर भूस्खलन से सामान्य और वॉल्वो सेवाएं प्रभावित हुई है। यात्री न मिलने के कारण निगम कुछ रूटों पर बसें क्लब कर संचालित कर रहा है। गुरुवार रात को परवानू के चक्की मोड़ के पास नेशनल हाईवे बंद हो जाने से शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले से चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए बस सेवाएं प्रभावित हो गई है। एचओटीसी ने कुमारहट्टी नाहन वैकल्पिक रूट से कुछ बसें संचालित की। शुक्रवार सुबह कुल्लू मंडी वाया पंडोह और वाया कमाद सड़क बंद रहने से बस सेवाएं प्रभावित हुई है। ढागस ब्रह्मा पुखर सड़क बंद रहने से भी बसों की आवाजाही प्रभावित हुई है। भूस्खलन होने से कालका शिमला हाईवे फिर बंद, एचआरटीसी बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। भूस्खलन होने से कालका शिमला एनएच देर रात से फिर बंद हो गया है। इससे हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि चक्की मोड़ के पास भूस्खलन हुआ है। वहीं कांगू में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सड़क धंसने के कारण दुर्घटना का शिकार हो गई है। जानकारी के अनुसार बस 31-13-15 सुंदरनगर शिमला रूट पर जा रही थी। रास्ते में कांगू के पास सड़क अचानक क्षतिग्रस्त होने के कारण 4 यात्री घायल हो गए और अन्य को मामूली चोटें आई हैं। बस में कल 12 यात्री सवार थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे 2600 पद, नेशनल मंडल की बैठक में मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में जल्द विभिन्न श्रेणियों के 2600 पद भरे जाएंगे। शनिवार को ही बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बैठक के दौरान 20 मई को हुई सर्विस कमेटी के फैसलों पर निदेशक मंडल ने अपनी मुहर लगाई है। टीम 8 की पदोन्नति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को भी संशोधित कर दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अगली सर्विस कमेटी की बैठक में प्रस्ताव लाने पर सहमति जताई गई। हिमाचल में ड्रोन से की जाएगी मनरेगा में होने वाली कार्यों की निगरानी, दिशा निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश में अब मनरेगा के कार्यों की निगरानी ड्रोन से होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल मनरेगा में कार्य निरीक्षण और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता देखने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को भी इसे लागू करने के लिए कहा गया है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार मनरेगा में निगरानी के लिए 2 तरह के ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ये एक तो नैनो ड्रोन होंगे जो 250 ग्राम के बराबर या इससे कम होंगे। इसके अलावा माइक्रो ड्रोन होंगे जो 250 ग्राम से ज्यादा और 2 किलोग्राम से बराबर के होंगे। हिमाचल के उद्योगपति या बाहर से भी मंगवा सकेंगे ढुलाई के लिए ट्रक। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बीबीएन यानी कि बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ क्षेत्र में उद्योगपति अब माल ढुलाई के लिए बाहर से भी ट्रक मंगवा सकेंगे। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ औद्योगिक संघ ने ये जानकारी दी। संघ ने बताया कि परिवहन व्यवसाय के एकाधिकार से जुड़े मामले की याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है। उच्च न्यायालय ने इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया है कि निजी प्रतिवादी को वाहनों के संचालन या माल ढुलाई शुल्क के निर्धारण के मामले में कोई अधिकार नहीं है।